बार मैं राहुल का दिल जीत लूँ ना, उसके बाद प्रॉमिस मैं तुम्हें और जूजू को बहुत लंबी छुट्टी पे भेजूंगी। जूजू के साथ छुट्टी? या कश्मीर की वादियों में? ओके, अब जल्दी से गायब हो जाओ। अभी आपका क्या? थैंक गॉड। अच्छा हाँ, मेरी एंट्री प्रिया के बाद होनी चाहिए, तो मैं भी चलती हूँ। कभी ये गायब होती है, कभी ये गायब होती है, कैसा ना हो एक दिन मैं ही गायब हो जाऊं। यहाँ पे बे कहाँ जा रहा हूँ? क्या स्वीटी पाई, कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मैं बेबी तैयारी कर रहा था बेबी, इसीलिए। अच्छा yeah. How sweet. कोई आया क्या? हाँ. कौन? तुम। सबसे पहले। वो तो है, मैं तो हमेशा नंबर वन ही रहती हूँ। yeah. वैसे अच्छी बात है कि इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। या yeah, तो? तो आओ थोड़ा सा रोमांटिक होते हैं। बेबे ओह माय गॉड, ये वास कैसे टूटा? टूटा या तोड़ा? तोड़ा? हवा ने समझो समझो, कांचे कांचे ऐसे। एक्सप्लेन, गलती मेरी बेबी। दरअसल क्या ना, वो वास को है ना, मैंने बहुत एज पे रख दिया था, हवा चली और पटक पुटक पुटक। क्या स्वीटी पाई, ध्यान से रखना चाहिए ना। वही तो नहीं आता। क्या? बैठो ना, बैठो बैठो, संभाल के। वाह 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 वाह, क्या टाइमिंग है। देखा, वक्त भी हमारा ही साथ दे रहा है। किसी मशहूर शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। कहिए मोहतरमा, बहूब बहूब। हे सुना, पंछी भी मेरे सुर से सुर मिला रहे हैं। उफ़ ओ, ये कार्टून फिर शुरू हो गया। इतनी बोरिंग बातें करता है कि किसी को भी नींद आ जाए। इसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही कोई लेगा इसका नाम, ये नींद में जाकर करेगा आराम। आप कैसे हो? हाँ, मिस्टर वेला। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो प्रिया। कम ऑन जिया, फ्रेंडशिप में नो थैंक यू एंड नो सॉरी। अच्छा सुनो, इससे पहले कि राहुल और वेला आए, आओ किचन में चल के खाना बनाते हैं। ओके ओके, विक्की मैं अभी आई। हे भगवान, पता नहीं ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, सब के सब लोग मिलकर बना रहे मुझे बेवकूफ। हाय जीनी, क्या कर रही हो? प्रिया आ चुकी है। तो मैं डांस करूं? किधर भी शुरू हो जाती, डांस मत करो जीनी। व्हाट इज दिस? सोचो इस खुशी में कि स्वीटी पाई अंदर दीदू के साथ है और यहाँ मैं आपके साथ हूँ, आप भी डांस करो ना, बड़ा मजा आएगा। वेरी गुड। नहीं, ये मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, डांस नहीं करते, डांस नहीं करते। तो रोमांस करें? जीजू जीजू, यहाँ पे मैं आपके साथ बैठ के रोमांस करती हूँ और आपकी स्वीटी पाई हमारे लिए अंदर डिनर बनाएगी, कितना मजा आएगा। वाह 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 वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ। और जरा सोचो, इसी हालत में प्रिया ने हमें देख लिया तो तुम्हें पता है वो किचन में खाना बाद में बनाएगी, पहले मेरा भरता बनाएगी, वो भी विक्की का भरता, खाने में कितना मजा आएगा। What is this?
आ मेरे जूजू, मेरे प्यारे प्यारे जूजू, आपको किसी की नजर नहीं लगे, चेस्ट में बंदूक। जूजू, जब आप ऐसे घबराते हो ना, रब की कसम, बड़ी क्यूट लगती जूजू। या बे, क्या हुआ? प्रिया बुला रही है मुझे। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मुझे तो आई। या बे, कमिंग। जान छोटी। अच्छा, जान छोटी। जीजू, आपको क्या लगता है मैं आपके पीछे किचन में नहीं आ सकती हूँ? ओह, मेरे जूजू कितने भोले हैं। तो चले बनाते हैं नूडल सूप। ओके, मैं तब तक वेजिटेबल्स चॉप कर देती हूँ और मैं तब तक नूडल्स बॉईल कर देती हूँ। मैं भी आ गया। मैं क्या बनाऊँ? जूजू, मैं भी इधर बैठी हूँ आपको हेल्प करने के लिए। तुम कुछ मत करो, बस हमें हमारा काम करने दो। स्वीटी पाई, देखो ना ये खुल ही नहीं रहा, इसे खोल दो ना। लो। ये तो आधा खुला था। अब देखा जिया, मेरा स्वीटी पाई कितना स्ट्रॉन्ग है। वाओ, वो तो है, माय जूजू स्ट्रॉन्गेस्ट। इतने स्ट्रॉन्ग होने की क्या जरूरत है, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, यू नो। व्हाट? जोकिंग बेबी। तुम भी हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही जोक करने लग गए हो। विकी, ये क्या है? ये तुम्हारे घर में जब देखो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। दिस इज टू मच। बेबे, बेबे, ये भी है ना, मैंने बिल्कुल एच पे रखा था बेबी, तो इसीलिए आई थिंक इट कोलैप्स्ड। जूजू, 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 जब आप गुस्सा होते हो ना, बड़े क्यूट लगते हो। कितना आवाज कर रही है? क्या बात है, क्या बात है, आप लोग कितने टैलेंटेड हो। है ना स्वीटी पाई? जूजू भी इनमें शामिल हो गए। अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि बोर्डरूम हो या किचन हो, गर्ल्स आर द बेस्ट। ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। वहां मुझे होना चाहिए था स्वीटी पाई के जगह पे। जूजू के लिए अपने हाथों से सूप बनाती और दीदू के साथ मजे करती। ये स्वीटी पाई ने पूरा खेल खराब कर दिया। वहां पे वो मजे कर रही है और यहाँ पे मैं अकेले बैठी हूँ फ्रिज पे। हेलो सर। सर, सर, सर जी, ओह माय गॉड, ये बिना टेरेस की बिल्डिंग इस प्रकार क्यों हिल रही है? वैसे हम ना देखते हैं दाएं, ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हमें देसी बाय। वैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा जब कोई लेट के सो रहा है तो उसे ना टटाल जगाना, और अगर कोई खड़े होके सो रहा है तो उसे बिना जगाए मत जाना। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। सर जी, सर जी, अरे यार, एक्सक्यूज मी, अरे यार, एक्सक्यूज मी, अरे जिया, जिया, ये तुमने क्या किया? अपने जादू से राहुल का रूप ले लिया। हैं? जादू? सर जी,
सर जी हम राहुल चतुर्वेदी। फर्स्ट एपिसोड राहुल रिपोर्टिंग सर। राहुल इनका कुछ हालत खराब लग रहा है। वैसे हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, हैज बिकॉज हमें देसी देसी। बाय बाय। राहुल तुम कहाँ हो? सर जी आप ठीक तो है ना? Yeah, I'm all right. क्या तुम कैसे हो? ठीक है? गुड 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 गुड। ठीक हो ना? यार सर जी सॉरी। डोंट वरी, सीनियर के सामने ऐसे नर्वस नहीं होता यार। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। अरे लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही गल गया। स्वीटी पाई छोड़ो इसे, छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। रखो करो 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 करो, मैं देखता हूँ। लगता है राहुल आ गया। दीदू आपकी वो आ गई, तैयार हो जाओ। तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि घंटी दरवाजे की नहीं तुम्हारे दिल में बजी है। अच्छा सुनो, अगर वो शर्माए घबराए ज्यादा बात ना करे तो तुम खुद उससे बातचीत कर लेना। ओके? बड़ी आई मेरी दीदी को टिप्स देने वाली। पर कैसे? सिंपल, उसकी दोस्त बन के देखो कि वो अपने फ्रेंड से कैसे बात करता है और फिर उससे बिल्कुल वैसे ही बात करना। रिमेम्बर पहले चैटिंग फिर डेटिंग। थोड़ा सूप टेस्ट करके देखे। यम्मी। यू नो व्हाट, अगर इसमें थोड़ा चीज पड़ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। फिर तुम प्यार से इस सूप को राहुल को सर्व करना। ओके ओके, मैं अभी चीज ढूंढ के आती हूँ। मैं ओरिगानो डाल देती हूँ। प्रिया ओरिगानो कहाँ पे रखा है? फोर वाले कैबिनेट। ओके। अब तुम्हारा यम्मी यम्मी सूप चिली चिली सूप बना दूंगी। तीखी मिर्ची की बच्ची, दीदू ये जीनू की बच्ची भी ना कभी चैन से नहीं बैठ सकती, अपनी मजा चखाती हूँ उसे। अरे यार मेरी वो, तेरी वो कौन? एक्सक्यूज मी प्लीज। छोज मी छोज मी। अरे यार जिया और कौन? जिया और प्रिया दोनों आ गए बस। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मेरी और जिया की यहाँ आने की टाइमिंग ना एकदम सेम थी, एकदम सेम। लेकिन फिर वो मुझसे पहले अंदर कैसे आ गई? हम बताते हैं आपसे पहले। मिसारी, दरअसल हम आपको बताते हैं वो आपसे पहले कैसे आ गई।
आप दरवाजे के बाहर सो रहे थे खड़े खड़े। अबे हेलो, क्या मुझे घोड़ा समझ रखा है? हैं? मैं दरवाजे पे सो रहा था खड़े खड़े, मैं खड़े खड़े सोऊंगा? अरे यार मैं बेड पे सोता हूँ, वो भी लेटे लेटे, समझे? ये विकी भी ना कभी भी कोई चीज जगह पे नहीं रखता, अब चीज ही नहीं मिल रहा। मैं बाहर जाके उसे पूछ के आती हूँ कि चीज कहाँ है। ओके ओके। मेरी पाए चीज का रखा है चीज। हाय राहुल। हाय वीला। वीला गुरुजी, यू सी, हम कहते थे ना, वैसे हमारे गुरुजी कहते हैं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और मेरे घर में अजगर है। नहीं समझी? विला अजगर खाता है सोता है। अभी भी नहीं समझी? छोड़ो छोड़ो, इतना समझने के जैसा था भी नहीं। हो ना हो, ये उस जिया का ही किया है। यार कमाल कर रहे हो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं दरवाजे पे सो गया था? मतलब तुम ऐसा कहोगे और लोग मान लेंगे? बेटा तुम यहाँ नए नए आए हो और मैं यहाँ सालों से काम करता हूँ, आई एम योर सीनियर। अब बोलो कि मैं बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। मैं अपने बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। तुमने यार, मैं बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। तुमने यार, मैं बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। अरे यार कोई इसको समझाओ कि मैं बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। कोई समझाओ यार इसे कि मैं अपने बेड पे सोता हूँ वो भी लेटे लेटे। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा। बाप रे, चुप रहने में भलाई है वरना मैं ही जलील हो जाऊंगा। बाप रे, चुप रहने में भलाई है वरना मैं ही जलील हो जाऊंगा। देखा देखा, थोड़ी देर सोने दो, थक गया। जीनू, मेरी बहना मान ले मेरा कहना और मुझसे पंगे लेना बंद कर दे। पर मैंने क्या किया दीदू? ओ मेरी भोली सी बहना, अगर इस नूडल सूप में इतनी सारी मिर्ची डल जाती ना तो ये मिर्ची सूप बन जाता। दीदू मैंने तो ये इसलिए किया ताकि जब स्वीटी पाई ये सूप जूजू को पिलाए ना तो उसका इम्प्रेशन खराब हो जाए। हे हे, छुटकी, पर यही सूप मैं राहुल को भी पिलाने वाली थी ना, और अगर ये मिर्ची वाला सूप मैं राहुल को पिला देती तो मेरा इम्प्रेशन भी खराब हो जाता और हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। दीदू मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि आप राहुल के साथ हरे भरे पेड़ों के आगे पीछे गोल गोल चक्कर लगाए और इनु इनु गाना गाए। पर दीदू मैं ये नहीं चाहती कि स्वीटी पाई बार बार मेरे जूजू के घर में आए, मुझे गायब होना पड़े और जूजू से दूर रहना पड़े। ओ छुटकी, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। देख, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी जूजू की जीनू। अच्छा ये सब छोड़, और ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम लॉलीपॉप। मतलब अति सुंदर दीदू। So sweet, सच? सच, after all दीदू किसकी है? सच कहा, सुंदर बहना की सुंदर बहन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.